दोस्तों राधे फिल्म का पब्लिक इंतज़ार नहीं कर पा रही है और इसी के वजह से फिल्म का टाइटल राधे जो है ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आपको बता दें कि राधे फिल्म को ईद के मौके पर यानी कि 2021 में रिलीज़ किया जाएगा और इसी को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि भैया राधे को ये लोग ट्रेंडिंग पे ले आए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि कल 19 तारीख से ही ट्विटर पर हैशटैग राधे का ट्रेंड चल पड़ा है। राधे पहले टॉप 5 ट्रेंडिंग में था, इसके बाद 2 पे आया, इसके बाद 3 पे। आप बता दें कि अभी भी राधे हैशटैग ट्रेंडिंग पे चल रहा है। आपको बताते चले, इसलिए ये सारा का सारा माहौल किया जा रहा है क्योंकि जो फिल्म का क्रेज़ है उसको दोबारा से बढ़ाया जा सके। वैसे भी सलमान खान की फिल्म राधे जो है पहले 2020 में रिलीज़ की जाने वाली थी, लेकिन इसके बाद डेट बढ़ता गया और अब फाइनली जो है ईद के मौके पर आपको फिल्म देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें टीज़र और ट्रेलर की, तो आपको बता दें कि अभी हाल फिलहाल कुछ दिन में ही आप लोगों को इस फिल्म से नया पोस्टर, नया टीज़र, नया ट्रेलर देखने को मिलेगा। वैसे अगर फिल्म की बात करें तो फिल्म बहुत ही लंबा इंतज़ार करवा चुकी है और फिल्म जो है काफ़ी बेहतरीन होने वाली है, क्योंकि सलमान खान एक बार फिर से वांटेड भाई के किरदार में देखने को मिलेंगे। वैसे भी फिल्म के अंदर आप लोगों को सलमान खान और दिशा पटानी देखने को मिलेंगे एक साथ जोड़ी में, साथ ही साथ रणदीप हुड्डा जो है इस फिल्म के अंदर विलन की भूमिका में दिखेंगे, जो कि काफ़ी दमदार और मज़ेदार होने वाला है। तो दोस्तों, इस ट्रेंडिंग के बारे में आपका क्या है कहना और आपकी क्या राय है कमेंट में लिख के जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कर दोस्तों टॉप ओपन फैक्ट्स, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट ऐसे ही मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।